हाँ देखिए ऐसे हम सो गए अच्छे सुनो लास्ट टर्म पे हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे और काफी सारा डिस्कशन हमारा हो रखा था पोटेंशियल के, है ना ठीक। और बहुत इम्पोर्टेंट दो बातें हमने सीख ली क्या है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन ई डॉट डीआर, आगे कैसा साइन, माइनस साइन, कहां से कहां तक, आर इनिशियल से आर फाइनल, ये बहुत बेसिक सब बोला था ठीक समझ में है। और एक फॉर्मूला और देखा था वो था दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल बाय आर माइनस साइन क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक। कैसे करते हैं इस पर भी एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पे देख लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से घटे, समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होती है ठीक समझ में। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे पॉजिटिव चार्ज के केस में और नेगेटिव चार्ज के केस में। जैसे मैंने कहा था कि मान लो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो ठीक है समझ में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर की तरफ होता है ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर, मतलब मान लिया ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी जाने पर पोटेंशियल घटना चाहिए बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्या करना चाहिए, घटना चाहिए ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, चेक करके देख लो। मान लिया ये दूरी हो आर ए, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, के क्यू बाई आर ए, ये हो गया ए पर पोटेंशियल। ऐसे ही अगर मान लिया ये दूरी हो आर बी, तो बी पर पोटेंशियल क्या लिखूंगा, के क्यू बाई आर बी। तुम खुद ही सोचो आर बढ़ रहा है मतलब ये वैल्यू घटने लगेगी यानी पोटेंशियल घटेगा। रोहित ध्यान से देखो भी जरा ठीक समझ में आएगा, ठीक पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, क्या इतनी बात समझ में, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अगर मान लिया पॉजिटिव की जगह है, अगर पॉजिटिव की जगह कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या कहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनती यानी इस डायरेक्शन में आने पर पोटेंशियल क्या होता, घटता, घट रहा है कि नहीं, देख लो ये पॉइंट है मान लिया ए, वही पिछली बार की तरह मान लो कितनी दूरी पर आर ए दूरी पर पोटेंशियल क्या लिखूंगा, माइनस के क्यू बाई आर ए। याद है मैंने कहा था पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज को बगैर साइन से रखें और डायरेक्शन अपने मन से देखें पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, सारी बातें बिल्कुल क्लियरली बता चुका हूँ ठीक समझ में है। अच्छा और ये कोई पॉइंट है भी मान लिया वही पिछली बार की तरह कितनी दूरी पे आर बी दूरी पे, कितनी दूरी पे आर बी दूरी पे पॉइंट पे, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, माइनस के क्यू बी बाई आर ए ठीक समझ में है। तुम खुद ही सोचो, सुनना बहुत ध्यान से, जो ये वैल्यू है दैट इज माइनस के क्यू बाई आर बी, माइनस के क्यू बाई आर बी, भाई तुम खुद ही देखो ध्यान से डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है कम, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है कम, यानी कि न्यूमेरिकली ये वैल्यू ज्यादा लेकिन माइनस साइन के साथ ये वैल्यू कम, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू कम, समझ में आएगा ठीक समझ में, ठीक ऐसे ही माइनस साइन के साथ वो वैल्यू क्या है ज्यादा ठीक। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन ठीक समझ में, माइनस ई बाय आर, माइनस ई बाय आर ठीक। क्या ये बातें बिल्कुल क्लियर थी ठीक सर में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, तेजी से घटेगा, पोटेंशियल क्या होगा, तेजी से घटेगा, समझ में, पर समझ में नहीं है ठीक। तुम खुद ही देखो इसका डिनोमिनेटर कम है तो न्यूमेरिकली ये वैल्यू ज्यादा ठीक समझ में, और माइनस साइन के साथ ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम ठीक। तो मान लिया कैलकुलेट करके माइनस सिक्स आया, ये कैलकुलेट करके माइनस थ्री आया, तो आप खुद ही सोचिए ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा,
डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक, अब हम आज की क्लास में सुनना, देखो ध्यान से क्या डिस्कस करेंगे। किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा सा पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन सीन ये था कि भाई यहाँ पर मुझे छोटे छोटे सवाल पर डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्लास में। ठीक, तो आज की क्लास में देखो दो चीज़ों पर डिस्कशन करना है। पहला, किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा होता है, उसकी एनर्जी का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक, समझ में? ऐसे याद है हमने एक केस करा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है, समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज का वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराएं तो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक, समझ में? कुछ पोटेंशियल वगैरह के भी एप्लीकेशन देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अपनी कॉपी में, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल तो एक बात बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? अरे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ना ही मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन बदले, है ना, जिसका ना ही मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन बदले। ठीक, समझ में? अच्छा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको ये बताना है कि इस एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अरे पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बता चुका हूँ कि अगर पैरेलल इक्वली स्पेस लाइंस अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं तो मतलब ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो चुकी है पहले इस बारे में। ठीक है, समझ में? अब पैरेलल इक्वली स्पेस लाइन बनाते हैं। अच्छा, इक्वली स्पेस लाइन क्यों बनाते हैं? लाइंस के बीच का स्पेस इक्वल क्यों रखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड बनाने के लिए? अरे सुना तो, जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था तो याद करो मैंने कहा था कि किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा लाइन भी उतनी ज्यादा होगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक, अब तुम खुद ही सोचो, मान लो इस बेंच पे बच्चे ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा? बच्चों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बच्चों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? समझ में आएगा? यानी सोचो अगर किसी एरिया में ज्यादा लाइन है, किसी एरिया में ज्यादा लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, कम लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक, अब तुम सब सोचो कि मान लो लाइंस के बीच की स्पेसिंग कम या ज्यादा नहीं हो रही है, कम या ज्यादा नहीं हो रही है, तो मतलब जितनी लाइन यहाँ पे थी उतनी ही लाइन यहाँ पे है। ठीक है, समझ में? और आपको फिर से बता चुका हूँ कि जितनी ज्यादा लाइन होगी फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। तो मान लो अगर मैंने चार लाइन यहाँ बनाई है और चार लाइन यहाँ बनाई है तो इसका मतलब क्या है? जितनी फील्ड यहाँ है उतनी ही फील्ड यहाँ है। ठीक है, आज के दूसरा पहले बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान था सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि लाइन्स ऐसे बनानी। ठीक, बोला यहाँ की दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी है x by 2, तो आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या हो सकता है, तो बताएं यहाँ स्पेसिंग कम है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, यहाँ स्पेसिंग तुमको भी सोचो यहाँ स्पेसिंग आधी हो गई और यहाँ स्पेसिंग क्या थी ज्यादा। ठीक, स्पेसिंग आधी हो गई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई समझ में आई बात? ठीक, क्या आया होगा क्वेश्चन है आपको हर किताब में मिल जाएगा, आसान का सवाल था। ठीक, तो
पॉली स्पेस लाइन क्यों बनाते हैं वाली बात समझ में आ रही है, इसलिए बनाते हैं कि लाइन के बीच की स्पेसिंग कम नहीं, कम या ज़्यादा नहीं हो गई, मतलब नंबर ऑफ लाइन चेंज नहीं हो गई, नंबर ऑफ लाइन्स नहीं बदल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फिक्स है। ठीक, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में मैंने लिखवा रखा है साफ साफ। ठीक समझ में, और प्लीज़ देखिए पढ़ के आए। ठीक है, हम फिर इसमें केवल ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई बहुत टफ डिस्कशन कर रहे हैं आज के, ठीक है, हम बहुत बेसिक लेवल पर बात कर रहे हैं सारी। ठीक है, समझ में बात, तो क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हमसे यार वही अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जो बेसिक डिस्कशन है वो बहुत अच्छे से समझ, हर चीज़ का और ख़ास तौर से मैं बताऊँ। ठीक है, जो रिसेंट पेपर पैटर्न है चाहे वो नीट का हो या मेंस का हो, एडवांस के लिए तो नहीं होगा, उसमें बार बार बोल रहा हूँ बेसिक बातों पे बहुत फोकस है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, बहुत कोई टफ बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो। ठीक, बोलते सकते क्या बात समझ में आनी है आपके। चलो, तो जैसे मान सुनना, किसी एरिया में ठीक, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ठीक समझ, मैंने बिल्कुल ढंग से बताया, मान लो किसी एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक समझ रहे हैं, और ये मैं एक्सेस करा देता हूँ। ठीक समझ रहे हैं, ये मान लो मेरा है वाई एक्सेस और ये मान लो मेरा है एक्स एक्सेस, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कितनी है, माइनस ई नॉट जे के, कितनी है माइनस ई नॉट जे। मैंने एक चार्ज लिया क्यू जिसका मास है एम और इसको लॉन्च किया, इसको यार किया तो कैसे कैसे लॉन्च कर सकते हैं। चलो एक ही चीज़ मुझे बताते हैं, ध्यान से सुनना, मान लो मैं चार्ज क्यू लूँ, पॉजिटिव चार्ज है, गहरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया, ठीक ऐसे ही रख दिया, कहाँ जाए, डायरेक्शन नंबर वन, डायरेक्शन नंबर टू, डायरेक्शन नंबर थ्री, कहीं भी जा सकता है। चलो कितने लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन नंबर वन, कितने बोल रहे हैं डायरेक्शन नंबर टू, डायरेक्शन नंबर थ्री, कितने लोगों ने कहीं भी जा सकता है ऐसे। एक बात बताओ, जब आप एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हो तो वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज हो तो उल्टा चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पॉजिटिव चार्ज है फोर्स कहाँ लगेगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि सोचो एक पॉजिटिव चार्ज जिसको तुमने इनिशियली कोई रफ्तार नहीं दी थी यहीं पे छोड़ दिया था, और उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो किसी बॉडी पे जिसको तुम रेस्ट से रिलीज कर रहे हो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है बॉडी उसी डायरेक्शन में जाती है। यार सही से बैठो, सही से बोलते रहो। ठीक है, अगर तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो जाएगा। ठीक, अगर आप एक पास 9th-10th वाली बातों पे रीजनिंग नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या आपको कहीं भी किसी मास्टर पे पढ़ लो, सिर्फ ऐसा लगेगा फिर साथ। ठीक है यार, बहुत सिंपल सी बात है ना कि भाई रेस्ट से रिलीज किया है एक चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में क्या है फील्ड है। क्यों, क्योंकि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगा। ठीक समझ में, स्टार्टिंग में कोई रफ्तार थी ही नहीं तो जिधर नेट फोर्स लगेगा उधर ये मूव कर जाएगा। ठीक समझ में, तो देखो ध्यान से, अगर मान लें सिंपल से यही सवाल था। ठीक, आपसे बोला गया बता दो पी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, क्या सब बताया जा सकता है। अरे इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, E into Q, डायरेक्शन वाइज बात करूंगा तो कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में,
तो वेक्टर साइन से बोल दो तो माइनस ई क्यू जे के कितना एक्सेलरेशन आएगा, अरे फोर्स को मास से डिवाइड कर दो यानी कितना एक्सेलरेशन आएगा, माइनस ई क्यू बाई एम जे के, माइनस ई क्यू बाई एम जे के आपको दिया हुआ है इनिशियल रफ्तार कितनी है जीरो, टी टाइम बाद रफ्तार कितनी होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, v is equal to u plus at, तो v is equal to इनिशियल रफ्तार कितनी जीरो, एक्सेलरेशन कितना माइनस eq by m इंक्रीमेंट t आगे क्या जे के, ये हो गया किसी भी टाइम t पर रफ्तार, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, करंट डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, अरे s equals to ut plus half a t square, इनिशियल रफ्तार कितनी है जीरो, यानी half a यानी eq by m माइनस साइन से t square जे के, बहुत बेसिक सी बात है ठीक। तो क्या आप t टाइम पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, अरे किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक। अच्छा सोचो मैं बोल दूं चार यहां से लेके यहां x दूरी ट्रेवल करता है तो x तो निकाल ही सकते हो, x तो निकाल ही सकते हो, अरे x तो निकाल सकते हो, हाँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पॉइंट a से लेकर b तक चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, चलो निकालो किसी भी टाइम t पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ ए से लेकर के बी तक पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है पोटेंशियल घटेगा, बताएं किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, अब आंसर है स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे वो जीरो होगा और यहाँ पे कितना चल लिया x चल लिया
तो लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से एक्स तक, जीरो से एक्स तक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया, यानी माइनस साइन के साथ कितना ई नॉट। अब dr 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 जोड़ के कितना हो जाएगा r। r की लिमिट कहां से कहां तक है? जीरो से लेके x तक। तो dr 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 जोड़ के r हुआ, और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से x तक, यानी कितना माइनस ई नॉट x, माइनस ई नॉट x, खत्म, माइनस ई नॉट x। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे रुको, ठीक। अब आपसे बोला गया है किसी भी टाइम टी पर बताओ, तो क्या किसी भी टाइम टी पर एक्स यही है? अरे किसी भी टाइम टी पर एक्स की वैल्यू यही है ना, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दो वहां पे, यानी किसी भी टाइम पे कितना होने चला है? माइनस हाफ ए, ए यानी टी क्यू बाई एम टी से, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस हाफ ई क्यू बाई एम टी स्क्वायर पुट करेंगे, ई क्यू बाई एम टी स्क्वायर पुट करेंगे, मतलब माइनस साइन हटा के लिखेंगे। अरे माइनस साइन हटा के लिखेंगे, क्या इक्वेशन हटा के लिखेंगे? माइनस साइन हटा के लिखेंगे, ठीक है। समझ में? चली गई दूरी, एक्स क्या है? चली गई दूरी, ठीक। समझ में? अरे आया नहीं आया? फिर है ठीक। अरे लिखा नहीं था, समझ में आया? चलो ठीक, समझ में। तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल वो कितना गया? माइनस हाफ ई क्यू बाई टी एम टी स्क्वायर। तो ये केस देखो बहुत सिंपल था, ठीक है, कि भाई अगर आप चार्ज पार्टिकल को जस्ट रेस्ट से रिलीज करें, ठीक है, तो वो वही मूव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में क्या है? फील्ड है, जिस डायरेक्शन में क्या है? और नहीं तो वहां जाएगा अपोजिट, नहीं तो वहां जाएगा अपोजिट पे, ठीक। समझ में? अब मुझे कुछ स्टेटमेंट्स बताओ। किसी जगह पर पोटेंशियल ज्यादा है, किसी जगह पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर रखे गए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। ट्रू या फॉल्स? अगर किसी जगह पर पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां रखे गए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। ट्रू या फॉल्स? कितना होगा ट्रू? एक दो तीन चार। कितना होगा फॉल्स? कितना होगा फॉल्स? हाँ फॉल्स, ठीक है। अच्छा फॉल्स के पीछे का रीजन? सही आंसर है फॉल्स, सही आंसर है फॉल्स। फॉल्स के सुन लो, बिल्कुल लॉजिकली बात करना। मान लो मैं बोल दूं कि इस जगह पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, कितना है? चलो यहां पर मैं एक बार चार्ज रखूं 2 कूलम का, कितने कूलम का? तो 2 कूलम के चार्ज की एनर्जी क्या 4 जूल होगी? क्या होगी? 4 जूल, ठीक। सर नहीं बात, ठीक सर नहीं। अच्छा लेकिन अगर 2 की जगह माइनस 2 कूलम होता, 2 की जगह क्या होता? माइनस 2 कूलम होता, तब एनर्जी कितनी हो जाती? माइनस 4 जूल। कितनी हो जाती? माइनस 4। समझ में आई बात? अरे समझ में नहीं आया, ठीक। समझ में आया तो तुम पूरी देखो एनर्जी घट गई, एनर्जी क्या हो गई? ठीक है, समझ में आया? तो ज्यादा पोटेंशियल है मतलब एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर रखा गया चार्ज कैसा है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, से है क्या कि जितने भी वेपन्स, ठीक
ठीक है आप बनाते हैं, ठीक है। इसका पॉजिटिव काम क्या है कि उससे आप क्या करें, अपने आप अपनी हिफाजत करें, है ना, ठीक है, समझ में है भाई। इसलिए थोड़ी है कि भाई पड़ोसी या घर बदल, ठीक है, समझ में, तो समझ में है, ठीक है। यानी कि बेहतर हथियार जिस कंट्री के पास होंगे वो देश भी बढ़िया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, समझ में। ये तो डिपेंड करता है ना कि भाई उस हथियार का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ठीक है, समझ में। तो ऐसे ही पोटेंशियल, ठीक, अब कितने पोटेंशियल पे कैसी एनर्जी आएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर रखा गया चार्ज कैसा, समझ में आई बात। अरे समझ में नहीं आया, ठीक, समझ में क्लियर हो गया ना, ठीक, समझ में कि किसी जगह पोटेंशियल ज्यादा है पॉजिटिव साइंस, ठीक, समझ में। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर रखे गए चार्ज की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये जो बातें मैंने बताई हैं, ठीक, इस पर कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस भी करते हैं, ठीक। अच्छा, कोई भी चीज कहाँ से कहाँ जाती है, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक। इस बात को यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, ठीक, जिससे आप कुछ थ्योरेटिकल सवालों के आंसर दे सकते, ठीक, और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि तुम कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, ठीक है। नहीं तो सीधा जी की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाता था, ठीक, इधर देखो। जैसे मैं बोल दूं कि भाई साहब इस एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक, ठीक है, समझ में आया। चलो, और दो पॉइंट है मान लिया, ठीक, हमारा चार्ज ए से चला था और कहां पहुंचा था, बी पर पहुंचा, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, चलो मुझे बताओ, ए से लेकर के बी तक, ठीक है, मुझे बता देना इसकी वेलोसिटी बढ़ी या घटी। अरे फोर्स बीसी डायरेक्शन में नजर आता तो वेलोसिटी तो गारंटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या घटी, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अच्छा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी घटी, थोड़ा सा लॉजिकल भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और कोई फोर्स को लग नहीं रहा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी, कॉमन सेंस, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल ए से बी तक पोटेंशियल बढ़ा था कि घटा था, घटा था भाई, माइनस साइन से आया आपका चेंज इन पोटेंशियल, किस साइन से आया है, माइनस साइन से आया है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, समझ में। तो जो चेंज इन पोटेंशियल है यानी कि पोटेंशियल की बात करें वो भी क्या हुआ है, घटा है, ठीक, किस केस के लिए, इस केस के लिए, समझ में। अरे आया नहीं आया, ठीक, सोचो अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लिया होता तो कहां जाता, गुड, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स कहां लगता, ऊपर, ठीक, समझ में, ठीक। चलो नेगेटिव चार्ज के लिए ये पॉइंट बोल देता हूं सी, और मान लिया वो सी से कहां गया, डी, सी से कहां गया, डी, ठीक। तो जब उसकी जर्नी सी से डी हो रही थी मुझे बताएं वेलोसिटी बढ़ी होगी कि घटी होगी, बढ़ी होगी घटी होगी, अरे बढ़ी होगी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जा भी ऊपर रहा है, रफ्तार तो गारंटीड है बड़ी, अरे रफ्तार क्या होगी, बड़ी होगी, रफ्तार क्या है, बड़ी, बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है भाई, चार्ज पार्टिकल रेस्ट से छोड़ा है तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही भागेगा और जब भागेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ गई बात, ठीक, तो वेलोसिटी भी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, अच्छा, ठीक, मुझे मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अरे काइनेटिक बढ़ रही है तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी तरह से रह गया, एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी एनर्जी घट रही है, घटा दी, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ा होगा, पोटेंशियल बढ़ा हुआ घटा हुआ,
बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, आप उल्टा जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, मैं ये पोटेंशियल लिख देता हूँ, पोटेंशियल यहाँ घटा है और यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल वे में भी चलिए समझ में, पोटेंशियल बढ़ेगा क्यों, क्योंकि चार्ज कैसे जा रहा है, चार्ज कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, ठीक है, समझ में बात, ठीक समझ में। अच्छा लॉजिकली ये बात फील कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, मेरे हिसाब से पोटेंशियल तो बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से पोटेंशियल तो, यानी कि ये वाली जगह मेरी रही होगी हायर पोटेंशियल पे, ये वाली जगह रही होगी लोअर पोटेंशियल पे, हाँ कि ना, ठीक समझ में आई बात। अच्छा सुनता ध्यान से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, अरे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना, चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी माइनस क्यू इनटू वी हायर, और यहां पर एनर्जी लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, माइनस क्यू इनटू में वी लोअर, ठीक समझ में, तुमको भी सोचो माइनस साइन भाई ये वैल्यू ज्यादा है, लेकिन माइनस साइन के साथ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉजिकली बस समझ आएगी ना, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू है कुछ, माइनस की वैल्यू में कितना वी है, ठीक सॉरी सर पोटेंशियल बढ़ा है, तो ये वी लोअर है और ये वी है, ये वी लोअर है और ये कितना है, हां भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, उल्टा जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। अब तुम बोलिए सोचो ये कितना है, माइनस क्यू इनटू में कितना वी है, वी है ये हायर वैल्यू है, लेकिन माइनस साइन के साथ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हां मतलब सोचो अगर ये वैल्यू माइनस हो है तो ये वैल्यू कितनी है, माइनस है, ये वैल्यू कितनी है, माइनस है, मान लेते हैं, ठीक समझ में, तो माइनस दो ज्यादा है माइनस से कम, जो क्लियरली बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, क्यों, क्योंकि आप कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्या ये सब पहले से बता चुका हूं मैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है, चाहो एक बार फिर से सुन लो, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक समझ में आया, ठीक एक पॉजिटिव चार्ज के लिए सुनना ध्यान से, ठीक पॉजिटिव चार्ज के लिए जब पोटेंशियल बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक एक नेगेटिव चार्ज के लिए जब पोटेंशियल बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटती है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटती है, ठीक समझ में, केवल थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक राजा बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है समझ में आई बात, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल बढ़ाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल बढ़ाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, क्यों बढ़ती है क्यों घटती है मैथमेटिकली भी समझा चुका हूं, ठीक है समझ में आई बात, ठीक समझ में आया, ठीक अच्छा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल हमेशा घटेगा और उल्टा जाने पर पोटेंशियल हमेशा बढ़ेगा, इसीलिए मैंने ये आपको बात की थी, ठीक समझ में आई बात, ठीक समझ में, अच्छा सोचो ये तो हो गई बात कि चार्ज पार्टिकल को मैंने रेस्ट से रिलीज किया, ठीक समझ में, चार्ज पार्टिकल को कैसे रिलीज करा रेस्ट से, ठीक है बात बताओ मैं चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करने की जगह फेंक भी तो सकता हूँ, चलो लॉजिकली बात करना भाई, एक तो मैंने चार्ज पार्टिकल को क्या करा रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक और दूसरा मैं चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकता हूँ फेंक भी सकता हूँ, मान लो भाई इसी एरिया में ये इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है तो पहला तो ये मैंने चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया, ठीक समझना तो पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है तो ऊपर चला गया, लेकिन मैं थ्रो भी तो कर सकता हूँ, थ्रो भी कर सकता हूँ, और थ्रो करने में देखो नाटक है, क्या नाटक है कि भाई साहब थ्रो करने में तुम चाहो तो पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंको,
पैरेलल या एंटी पैरेलल, जैसे मैंने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, क्या ग्रेविटेशन, ग्रेविटी भी ऐसे नीचे की तरफ है, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऐसे यहां क्या है, ग्रेविटी नीचे। अब इस पेन को फेंकना है तो पेन को फेंकने कई तरीके हैं, पहला तो या तो झटके से नीचे फेंकूं या झटके से ऊपर फेंकूं, एक तरीका ये आलस से साहब जानते हैं ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, एंगल पे फेंकूं, कैसे फेंकूं, तो पेन को जब एंगल पे फेंकूंगा तो क्या होगा, अरे क्या ये प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, तो सोचो अगर मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकूं तो इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल के जैसा, ठीक है समझ में आया। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्या होता है जब चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंकते हैं, बिहेवियर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बिहेवियर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल लिया ठीक है, डेटा लिख देते हैं पिछली बार की तरह, उसका मास है m, पॉजिटिव चार्ज है q, पॉजिटिव चार्ज है u, ठीक समझ में ठीक। उसको इनिशियल रफ्तार u से और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हैं ठीक समझ में, रफ्तार u से और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हैं देखिएगा, एंगल बनाते हुए वेक्टर ठीक समझ में आया, ये डेटा मेरे को दिया ठीक। तो बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक भी दीजिए, क्या इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो क्या एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा, तो थोड़ा सा फोर्स के अगर बात करें तो फोर्स लगेगा किस पे, वाई एक्सिस पे, कितना माइनस ई क्यू बाई एम, माइनस ई क्यू बाई एम, सॉरी माइनस ई क्यू आगे या जे क्या ठीक। ऐसे ही एक्सेलरेशन कितना आएगा वाई पे, माइनस ई क्यू बाई एम जे क्या, अरे जैसे सिंपली जी लगता है नीचे, यहां कितना लग रहा है, माइनस ई क्यू बाई एम ठीक समझ में आया ठीक। तो क्या ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे उठेगा और कहीं ऐसे गिर जाएगा ठीक, जैसे सिंपल प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाला था, क्या यहाँ भी निकाल सकते हैं, क्या यहाँ भी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, चलो जल्दी जल्दी निकालें ठीक। तो चलो जो इंफॉर्मेशन है पहले तो हम ले लें ठीक। 2D मोशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लिख देते हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, चलो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, x एक्सिस पे रफ्तार को लो इनिशियल, इनिशियल रफ्तार ux कितनी, इनिशियल रफ्तार कितनी, गुड u cos थीटा, ये कितनी u sin थीटा, x एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना 0 और y पे एक्सेलरेशन कितना माइनस eq by m, एक ये एक्सेलरेशन कितना है माइनस eq by m डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक समझ में आया, अरे आया नहीं आया, अच्छा अब सीधा सीधा जल्दी अपनी बोलते जाओ, प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u परपेंडिकुलर y में g परपेंडिकुलर, हाँ कि ना ठीक समझ में आया भाई, यही होता था ना, यहाँ पर g की जगह क्या है, eq by m, क्या है g की जगह, अरे वहां पर नीचे की तरफ होता था प्रोजेक्टाइल, कैसे माइनस e, यहाँ g की जगह कितना है
क्यूब बाई एन, जी की जगह कितना है, तो क्या उसी फॉर्मूले में जी की जगह ई क्यूब बाई एन लिखो। चलो बोलो, टाइम ऑफ लाइट टू यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी यू साइन थीटा बाई जी, जी यानी ई क्यूब बाई एन, खत्म। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जो प्रोजेक्टाइल में लिखा था वहां पर जी की जगह बस क्या लिख दो, ई क्यूब बाई एन, खत्म। ठीक, चलो मैक्सिमम हाइट बोल दो, एच मैक्सिमम क्या होता है, यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, मतलब क्या होता है जल्दी बोल दो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g परपेंडिकुलर, यही होता है ना, अरे यही होता है ना। चलो हाइट बोल दो, यहां पे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g की जगह क्या लिखना है, eq बाय n, खत्म। ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। ठीक, समझ में आया, ठीक समझ में, रेंज क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक, तो यहां पर रेंज की जगह क्या लिखोगे, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g की जगह क्या पुट करना है, eq बाय n, खत्म। ठीक, समझ में आया, आया नहीं आया, ठीक, इतना लिखने के बाद क्या इक्वेशन खुद से लिखोगे, अरे भाई इस बस सॉल्यूशन थीटा माइनस हाफ g, g की जगह क्या eq बाय n। चलो देखो खुद से, इतना लिखो तो कुछ नई बात नहीं करते हैं, इसी पर अच्छा क्या इंक्लाइंड प्लेन भी बना लेता तब भी कर लेते हैं, अरे जो इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल बना था वही पर लिखना है, तो जी की जगह क्या लिखना था, ई क्यूब बाय एन। ठीक, O से लेकर A के दौरान, कहां से कहां तक, O से लेकर A तक मुझे बताओ पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल नाम की बातें सोच रहा हूं सीधा सीधा, O से A पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, हां बढ़ा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा होगा, हां कि ना। अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल बढ़ा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी घटी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ O से लेकर A तक चेंज इन पोटेंशियल क्या रहा होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, O से लेकर A तक चाहो तो ओरली बता दो, चलिए देखिए मिला, वैसे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, मैं आपको सही तरीके से भी निकाल देता हूँ, एक लाइन में कैसे सोचेंगे ये भी बता देता हूँ। देखो इधर
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये ऐसे गया है बिल्कुल? ठीक, ये है मैक्सिमम हाइट, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, कितनी है E, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है नीचे की तरफ, ठीक, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, ठीक, इतना क्लियर है ना? अब स्टार्ट करें, चलो, ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई साहब O से लेकर के ये तक पोटेंशियल बढ़ा होगा, यानी कि डेल्टा भी किस साइन से आएगा, पॉजिटिव साइन से आएगा, ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, चलो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या r by 2 होगी? अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? h होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, चलो, यानी कि मुझे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी पता है और y कोऑर्डिनेट भी पता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं, ठीक। अच्छा, O से लेकर के A तक हुआ परिवर्तन पाथ पोटेंशियल में हुआ परिवर्तन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या मेरे को सीधा सीधा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए होगा? ठीक, अब लिखें, अब लिखें, चलो, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। अच्छा, मेरे को तो पता है ना चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव साइन से ही आएगा, तो जाओ तो सीधा सीधा पॉजिटिव साइन से आंसर दे दो, नहीं तो पूरा सही से फॉर्मूला, ठीक, E डॉट dr, ठीक, समझ में आया? अच्छा, ध्यान से, यानी कि लिखना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E कितना है, अरे E कितना है, अरे E कितना है, E है माइनस ई जे कैप, ठीक, समझ में आया? और dr को क्या लिखते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप, झंडे लगा रखे हैं आपने, dx i कैप प्लस dy j, ठीक, समझ में आया? यानी कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये dx के साथ को खत्म, सिर्फ क्या आएगा dy, सिर्फ क्या आएगा dy, ठीक, यानी कि देखना माइनस साइन से, ठीक, समझ में? अच्छा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको सीधा सीधा प्लस कर देता हूँ, यानी कि इतना E डॉट dy, क्या लिख देता हूँ, E डॉट dy, E डॉट dy, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, E डॉट dy, क्लियर हो गया ये, E डॉट dy, ठीक, समझ में? अरे तुम खुद ही देखो, y x कोऑर्डिनेट पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से h, 0 से h, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि E, यानी कि कितना E, ठीक, समझ में आया? ठीक, और साथ में क्या, डिवाइड 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 जोड़ के y, और ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, y की वैल्यू h, ch, ठीक, समझ में आया? इतना कर दो, चाहो तो तुम लॉजिकली फील कर सकते हो, कैसे, वो भी देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी पर। आपको मैंने जब इलेक्ट्रिक जब पोटेंशियल पढ़ा रहा था तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं चार्ज को पहले यहाँ से यहाँ ले गया था और फिर यहाँ से यहाँ ले गया था, ठीक, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, ठीक, ओ से ए ले जाते टाइम, ओ से बी ले जाते टाइम चेंज इन पोटेंशियल क्या था, सेम, चेंज इन पोटेंशियल क्या था, सेम, और मैंने ये भी कहा था, याद है कि ओ से लेकर के ए तक पोटेंशियल जल्दी से बदल गया, ओ से बी तक पोटेंशियल उतना ही बदला है, लेकिन लेकिन धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये होगी ना कि ये, यही बताया था, एग्जाम्पल आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप खुद ही देखें पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल में हुआ परिवर्तन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी से, इस बात का इस्तेमाल आप ऐसा शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, ठीक, समझ में आई बात? अरे जैसे बल्ब में किस पर डिपेंड करता है, फोर्स की डायरेक्शन में चली गई दूरी, fs cos थीटा, fs cos थीटा, ठीक है, समझ में आया भाई? बल्ब किसी बात पर डिपेंड करता है ना, ऐसे पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चली गई दूरी पर। हाँ चलो ओ से लेकर के बी तक चेंज इन पोटेंशियल, ओ से लेकर बी तक चेंज इन पोटेंशियल ओरली बता दो, ओ से लेकर बी तक चेंज इन पोटेंशियल ओरली पेन नहीं होता है अगर पेन होता है जीरो कितना जीरो। अरे देखो ओ से लेकर के बी तक ओ विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाई एक्सिस में, तो ओ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना था जीरो, बी पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है तो y एक्सिस पे चली गई दूरी कितनी जीरो। तो जब वो y एक्सिस पे चला ही नहीं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना जीरो, चेंज इन पोटेंशियल कितना जीरो। ओके थोड़ा सा लॉजिकली भी फील कर लो, क्या o से लेकर के b तक एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके चले थे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी लेके यहां पे पहुंच जाओगे, यानी अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो। इस बात को फील करने के बहुत सारे तरीके हैं, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहे चाहो तो लिख लो नहीं ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज इन पोटेंशियल नोट डाल के लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी पर डिपेंड करता है ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से समझ ठीक है, समझ में आया, अरे आया नहीं आया क्लियर हुआ ठीक। एसवी में ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा सवाल है पोटेंशियल ठीक, वहां पे बोला गया कि भाई साहब एक चार्ज है क्यू रखा हुआ है ठीक, समझ में आया, और ये मैं इसे भी समझो ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी ठीक। चलो एक चार्ज को ए से बी, बी से सी ले जाए ठीक, सर्कल सर्कल है ये, एक कोई चार्ज है तीसरा चार्ज है जिसको ए से बी, बी से सी ले गए, बहुत दर कितना है जीरो, क्यों, क्योंकि भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ उतनी ही यहाँ उतनी ही यहाँ, बराबर कितना जीरो। चलो ठीक और ये जवाब, एक कोई चार्ज अनंत पे रखा था एयर मैग्नेट में ठीक, उसको उठा करके एक बार ए पर रखा, एक बार बी पर रखा, एक बार सी पर रखा, चेंज इन पर बराबर कितना, तीनों केस में सेम किया रखा, एक चार्ज था इन्फिनिटी पर रखा था, उसको पहले उठाया ए पर रखा, फिर ले गया वापस, फिर उसको उठाया बी पर रखा, फिर वहीं से इन्फिनिटी से उठाया बाहर रखा सी पर ठीक। किस केस तीनों में क्यों ब्लॉक डाउन अलग अलग होगा कि सेम, अरे सेम होगा, क्या होगा सेम ठीक, क्यों, अरे भाई वर्क डन एट ए क्या लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन that is potential energy at infinity minus potential energy at a, sorry उल्टा लिख दिया, potential energy at a minus potential energy at infinity final minus initial, work done at b वही लिख देंगे क्या, potential energy at b minus potential energy at infinity, work done at c क्या लिखोगे, potential at c minus potential energy at infinity, infinity पर तो सभी का जीरो होता है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो ठीक, और ए पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर पोटेंशियल एनर्जी, सी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है सेम, तो तीनों केस में वर्क डन क्या मिलेगा सेम। ऐसी भी ऑब्जेक्टिव में एक एग्जांपल है भाई, कोई सब तीन चार में पहले बताओ कुछ रहा है ना, हां जो ठीक आसान था होता है ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये छोटी बड़ी चीजें समझना ठीक, आपको सवाल देख के समझना पड़ेगा
कि उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी में हुआ परिवर्तन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किस पर डिपेंड करता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे हैं। की डायरेक्शन से मेरा मतलब है पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी से ठीक समझ में। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट था, कल की क्लास में डिस्कशन आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए यहां पे इसको बंद करते हैं।